नमस्ते। हिंदी की क्लास में और भी स्कूल की तरफ से आपका फिर से स्वागत है। आज हम नया व्यंजन सीखने वाले हैं और वो जो नया व्यंजन है उसका नाम है व्यंजन अड़। व्यंजन अड़, ये व्यंजन दिखने में व्यंजन ढके जैसा ही दिखता है, जो कि है ढोलक का ढ, ढ से ढोलक। ये जो व्यंजन है उसमें आपको एक छोटा सा बिंदु दिखेगा। व्यंजन ढ जो कि ढोलक का ढ है उसके नीचे हम एक छोटा सा बिंदु बनाएंगे तो ये बन जाएगा व्यंजन अढ़। बच्चों आपको दोहराना है, व्यंजन अढ़। अढ़ से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, परंतु व्यंजन अढ़ का उपयोग शब्दों के अंत में नहीं तो शब्दों के बीच में किया जाता है। ये लड़का क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। बच्चों आपको दोहराना है और उसे ध्यान से सुनना है, पढ़। इसमें आप क्या बोलते हो लास्ट में? अड़, पढ़। ये लड़का क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। इसमें किया गया है, इसमें व्यंजन अढ़ का उपयोग दो अक्षर के बीच में किया गया है। इसमें आपको कितने अक्षर दिखते हैं? एक, दो, तीन। तो ये तीन अक्षर का शब्द है, उसमें व्यंजन अढ़ बीच में उपयोग में लिया गया है। पढ़ाई, आपको दोहराना है, पढ़ाई। ये जो आदमी है वो कमर से झुक गया है क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा, बच्चों दोहराना ना भूले, बूढ़ा। ये शब्द में अड़ का उपयोग अंत में किया है, बूढ़ा। और यहाँ क्या हुआ है? बहुत सारा पानी आ गया है, पूरा गांव नदी में डूब गया है। इसे क्या बोलते हैं? क्या आया? बाढ़ आई। क्या आया है यहाँ? बाढ़ आई है। इसमें व्यंजन अढ़ का उपयोग अंत में किया गया है। बच्चों आपको दोहराना है, बाढ़, बाढ़। उसके बाद में बहुत सारे आदमी कहाँ तो जा रहे हैं, वो लोग क्लाइंबिंग कर रहे हैं, माउंटेन पे चढ़ रहे हैं। तो जब भी कोई इंसान ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, उसको बोलते हैं चढ़। क्या बोलते हैं? चढ़। जो चढ़ शब्द है उसमें व्यंजन अढ़ का उपयोग अंत में किया गया है। और ये क्या है? दाढ़ी। इसमें भी व्यंजन अढ़ का उपयोग अंत में किया गया है, आपको दोहराना है, दाढ़ी। और देखना है इसमें व्यंजन अढ़ कहाँ है। सही बताया, दोनों शब्दों में व्यंजन अढ़ अंत में दिखता है। जब कोई पर्वत पे चढ़ता है तो वो जो चढ़ना होता है उसे क्या बोलते हैं? चढ़ाई। क्या कहते हैं उसे? चढ़ाई। ये जो शब्द है चढ़ाई, उसे आप जब भी गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो व्यंजन है अढ़ उसका उपयोग यहाँ ये शब्द के बीच में किया गया है, चढ़ाई। Now it's writing time. As you all know, we always practice writing Hindi in our MySkill book. So first, you will take out your Hindi MySkill book. On page number 111, that is 111, we will practice writing our Vyanjan Adha. As you all know, we first write today's date. So first in the left side corner we will write today's date, that is 27.10.20. Then we will practice writing Vyanjan Adha. Vyanjan Adha likhne ke liye pehle aapko Vyanjan Dha jo ki dholak ka dha hai wo likhna hai. Vyanjan Dha likhne ke liye pehle aapko ek chhota sa standing line banana hai. व्यंजन ढ लिखने के लिए पहले आपको एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बनाना है। पहली लाइन से शुरू करके आप एक छोटा सा लाइन बनाओगे जो दूसरी लाइन को टच नहीं करेगा,
फिर वहां से आप C4 कैट बनाओगे, एक छोटा सा कर्व, आधा गोला, और उसको ऊपर की तरफ लेके जाके अंदर की तरफ एक छोटा सा सर्कल, ये कंप्लीट करोगे। और उसके नीचे, एकदम नीचे, आप एक छोटा सा बिंदु बनाओगे और स्लीपिंग लाइन ऑन द फर्स्ट लाइन। ये हो गया आपका व्यंजन अढ़। कौन सा व्यंजन है? अढ़। ये व्यंजन ढ है, अगर इसके नीचे हम बिंदु नहीं बनाते हैं तो ये हो जाता है आपका व्यंजन ढ, अगर बिंदु आता है तो वो हो जाता है अढ़। वापस एक बार लिखेंगे, छोटा सा स्टैंडिंग लाइन जो दूसरी लाइन को टच नहीं करेगा, वहां से एक स्मॉल सी, उसको नीचे टच करके ऊपर से अंदर की तरफ एक सर्कल और छोटा सा बिंदु नीचे, स्लीपिंग लाइन ऑन द फर्स्ट लाइन। ये हो गया आपका व्यंजन अढ़। दोनों लाइन में एक बार अच्छे से ट्रेसिंग प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप व्यंजन अढ़ अपने आप लिखोगे। कैसे लिखोगे? जैसे कि आपको मालूम है, पहली लाइन से शुरू करके एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर वहां से सी बनाना है, मतलब आधा गोला बनाना है, तीसरी लाइन को टच करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके अंदर की तरफ एक छोटा सा सर्कल, एक गोला बनाना है, स्लीपिंग लाइन ऑन द फर्स्ट लाइन और छोटा सा बिंदु नीचे, व्यंजन अढ़। वापस एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, वहां से सी बनाते हुए, आधा गोला बनाते हुए, तीसरी लाइन को टच करके अंदर की तरफ एक छोटा सा गोला, स्लीपिंग लाइन ऑन द फर्स्ट लाइन एंड अ स्मॉल डॉट डाउन विच विल बी बिटवीन द थर्ड लाइन एंड द रेड लाइन। ये तीसरी लाइन और रेड लाइन के बीच में एक छोटा सा बिंदु। ये हो गया आपका व्यंजन अढ़। उसके बाद में हमने जो चारों संयुक्त व्यंजन सीखे हैं, वो चारों व्यंजन हम हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। मतलब हम व्यंजन क्ष से लेके व्यंजन श्र तक के चारों व्यंजन हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। हिंदी की ग्रीन कलर की नोटबुक में आपको नेक्स्ट पेज खोलना है और वहां आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में आज का डेट लिखना है। उसके बाद में व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, वैसे लाइन से लिखना है। अगर लाइन से लिखोगे तो आपको वो पूरी लाइन याद रह जाएगी। आपको ये टाइम पे व्यंजन क्ष, फिर त्र, ज्ञ, श्र, पहले जैसे हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस के लिए लिखते हैं वैसे नहीं लिखना है। जब भी हम चारों, नहीं तो पांचों व्यंजन साथ में लिखते हैं तो वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें वो चारों व्यंजन, नहीं तो पांचों व्यंजन, वो जो एक लाइन में आ रहे हैं वो लाइन से याद रह जाए। इसके लिए हम ये जो लाइन है, जो कि संयुक्त व्यंजन की लाइन है जिसमें चार व्यंजन है, वो हम लाइन से लिखेंगे। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ऐसे बोलते जाना है और लिखते जाना है, और ये पूरे पेज में अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। मुझे आशा है बच्चों, आपको व्यंजन अढ़, उससे शुरू तो नहीं होते हैं शब्द, पर वो जो व्यंजन है उसका जो भी शब्दों में उपयोग किया है वो शब्द अच्छे से समझ में आए होंगे, और उसे लिखते कैसे हैं वो भी समझ में आया होगा। साथ ही साथ में आपको संयुक्त व्यंजन साथ में कैसे लिखते हैं वो भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।